4 बज गए। वर्कशीट नंबर 67 क्लास 10 गणित। देख सकते हो आपके 14 दिसंबर की ये वर्कशीट है, जैसे कि आपको दिख रहा है वो डेट सही से देख लेना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को डाउट होता है कि कौन सी डेट की, तो डेट देखकर और डेट मेंशन करके वर्कशीट को करना। जब भी चेक कराओगे तो उससे हेल्प मिलेगी कि कौन सी वर्कशीट है और किस दिन आप लोगों ने किया है, ठीक है। गणित की वर्कशीट है तो इसको मैं हैंड टू हैंड सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसके आंसर लिखवा के और आपको दिखा दूं और आप उसे नोट डाउन कर लो तो आप एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे। अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप लोगों को इसके लिए इसका सॉल्यूशन ही देखना पड़ेगा। अब इसे करना है तो मैं एक बार इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, उसे देख लेना, फिर वीडियो को पॉज करके उसे नोट डाउन कर लेना। आपको करना ऐसे है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन इसके दो दिए गए हैं, सिर्फ दो ही क्वेश्चन दिए गए हैं इस वर्कशीट के अंदर, देख सकते हो। पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 आप सबको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक के अंदर। जल्दी जल्दी सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लेंगे गणित की, जिसमें भी आप अब तक वर्कशीट करते आ रहे हो वो निकाल लेना, और वर्कशीट नंबर ऊपर लिख लेना 67 और डेट डाल लेना 14, ठीक है। डे भी लिख सकते हो मंडे करके, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो होप करता हूँ सभी स्टूडेंट ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो उसके नीचे आंसर करके लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखना है क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं, तो कभी भी गिवन छोड़ना नहीं है, जो गिवन हो वो लिखना है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि एक यदि सिक्का 500 बार उछाला जाता है, ठीक है, तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। और उसमें दिया गया है कि 159 बार पट प्राप्त होता है, तो उसकी आपको प्रायिकता निकालनी है। पहले सबसे पहले गिवन लिखोगे, गिवन में आपको लिखना पड़ेगा कुल, सिक्का उछालने की संख्या, तो ये आपका कितना है 500 बार आएगा, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में ही गिवन है 500, ठीक है। फिर नीचे आपको लिखना है इसमें पट प्राप्त करने की संख्या, इसमें आ जाएगा आपका 159 जो आपको क्वेश्चन में गिना। ये दो चीज़ आपको क्वेश्चन से ही मिली है तो ये जरूर लिखना है अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जैसे कि वर्कशीट अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो इसमें फॉर्मूला दिया गया है प्रोबेबिलिटी निकालने का, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला आपको इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। परिणामों की संख्या और नीचे सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। पहले अनुकूल आ जाएगा, नीचे सभी संभव परिणामों की संख्या, ये आपकी प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसको सबसे पहले फॉर्मूला जरूर निकला है, इसके भी मार्क्स होते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट वैल्यू रख के अगर पुट कर दोगे तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पहले फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो फॉर्मूला आप लिखोगे पट प्राप्त करने की संख्या ठीक है अपॉन में आ जाएगा कुल परीक्षण की संख्या, ठीक है। तो इतना सभी स्टूडेंट ने उतार लिया। अब देखो टोटल आपका कितना दिया हुआ है,
कुल दिया हुआ 500 इसमें, और कितनी बार बताया गया है पट प्राप्त करने की संख्या 159। ठीक है, ये फॉर्मूले पुट के दिया, ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर नंबर 1 कंप्लीट होता है, तो सभी इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ मैं, जिनने नोट डाउन नहीं किया वो वीडियो को पॉज करके पूरा कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे प्ले कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं के अनुकूल परिणामों की संख्या लिखिए, कम से कम एक प्राप्त होना, ठीक है, एक भी पट न प्राप्त होना। सबसे पहले इसमें हम गिवन लिखेंगे, इसमें देखिएगा दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, जब दो सिक्कों को उछाला जाएगा तो उसकी कितनी कितने उसके आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है, कितने उसके परिणाम हो सकते हैं वो सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि वो हमें गिवन है। उत्तर नंबर 2, ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे संभावित परिणाम। संभावित परिणाम कितना हो सकता है आपका, एक तो हेड हेड आ सकता है, ठीक है, और आपका मतलब हेड मतलब मतलब ठीक है, या तो पट पट आएगा या फिर ये रहा, देखो आपका दिया हुआ है जो हेड को क्या कहते हैं और ये टेल, एक साथ दोनों दिया गया है, तो इसमें बताया गया पट और चित, ठीक है, टेल को कहेंगे चित और टेल को कहेंगे पट और हेड को कहेंगे चित, ठीक है, तो आपका जो हेड हो गया इसमें दो बार दिया गया है, तो हेड का आपका हो गया चित, ठीक है, तो दो टोटल जो परिणाम होंगे उसके पहला हेड हेड आ सकता है, दूसरा आपका हेड टेल भी आ सकता है, और फिर आपका टेल हेड भी आ सकता है, और दोनों टेल टेल भी आ सकते हैं, ठीक है, तो चित दोनों बार आ सकता है, एक बार चित और पट आ सकता है, फिर पट और चित आ सकता है, फिर दोनों पट आ सकते चित आ सकते हैं, ठीक है, फिर आ जाता है संभावित परिणामों की कुल संख्या, और टोटल कितना हो जाएगा ये, अगर हम इसे काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। अब देखो वन में आपको पूछा था कि जो इसका पहला निकालना था, इसमें पूछा था कम से कम एक पट प्राप्त करना, ठीक है, उसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसकी संभावना निकालनी है, तो कम से कम एक पट प्राप्त करने की संभावना, तो ये लिखोगे आप ये कितनी हो जाएगी 3। वो कैसे होगी, आपका एक तो हेड टेल आ सकता है, ठीक है, और आपका टेल हेड आ सकता है, और एट द एंड आपका टेल टेल दोनों आ सकते हैं।
ये हो गया आपका फर्स्ट, ऐसे करके लिख लेना फर्स्ट का आंसर, और ये इसका सेकंड है ठीक है। इसमें दो पार्ट दिए हुए थे देख सकते हो, एक ही रहा फर्स्ट एक ही रहा सेकंड। सेकंड में पूछा एक भी पट प्राप्त न करना ठीक है, इसमें आप लोग लिख सकते हो ई टू एक भी पट न प्राप्त करना, इसका आ जाएगा आपका हेड हेड, ये कितना हो गया आपका दो। तो फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ठीक है, वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है और क्लास टेंथ के स्टूडेंट की सारी वर्कशीट चैनल पे डाल दी गई है ठीक है, और पूरे वीक की वर्कशीट कल तक अपलोड हो जाएगी मंडे तक। तो मंडे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, सारी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हो चैनल पे से देख के, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आप लोग को जैसे ही वीडियो डलेगी आप लोगों को पता चल जाएगा, फिर बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि हमें वर्कशीट भेज दीजिए, तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगी, जैसी वीडियो डलेगी वैसी नोटिफिकेशन आ जाएगी, नोटिफिकेशन आते ही आप लोग उस पर क्लिक करके देख के अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो ठीक है, जिससे आपको फिर बाद का सारा काम खत्म हो जाएगा वर्कशीट करने का, फिर आप रिवीजन वगैरह और सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।